कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकेंड है और आज के दिन बात करेंगे मेटल बाजार के बारे में, जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज वीकेंड वाले दिन। एलएमई और एमसीएक्स में क्या कारोबार चल रहा है, दिल्ली और मुंबई के बाजारों में आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, क्या कीमतें चल रही है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार के बारे में बात करते हैं। एलएमई एमसीएक्स में काफी अच्छी खासी बढ़त बाजारों में देखी जा रही है, जिसको देखते हुए स्पॉट मार्केट जो है दिल्ली और मुंबई के बाजार जो है उनमें भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सबसे पहले एलएमई और एमसीएक्स के बारे में बात करते हैं तो कॉपर का लेवल एलएमई में जो रहा है वो 8927 है, 757.30 रुपए एमसीएक्स का रेट है। कॉपर के एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं तो एल्युमिनियम में 2402 रुपए का लेवल चल रहा है, एलएमई में 209.40 रुपए का लेवल एमसीएक्स के बाजार में आप एल्युमिनियम में देखकर जा सकते हैं। लेड में इसी तरह से 2118 रुपए एलएमई का लेवल चल रहा है, 183.20 रुपए पर एमसीएक्स में कारोबार देखकर जा सकते हैं। आप जिंक के बारे में बात करते हैं तो 3045 रुपए का लेवल चल रहा है एलएमई में, 268.40 रुपए का लेवल आप एमसीएक्स के बाजार में जिंक में देखकर चल सकते हैं। गोल्ड यानी सोने के बारे में अगर बात करी जाए तो 1855.60 रुपए का लेवल कॉमिक्स में है, 55737 रुपए का लेवल एमसीएक्स में चल रहा है। सिल्वर के बारे में बात करते हैं, 21.25 रुपए पर कॉमिक्स में कारोबार हो रहा है, 64413 रुपए एमसीएक्स का रेट आप सिल्वर के बाजार यानी चांदी के बाजार में आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में इसी तरह से 79.60 रुपए का लेवल कॉमिक्स में है, 6500 का लेवल एमसीएक्स के बाजार में क्रूड ऑयल में आप देखकर चल सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली के बाजार के बारे में तो दिल्ली के मार्केट में कॉपर सुपर एचडी का रेट 786 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 746 है, एल्युमिनियम बर्तन का रेट 180 चल रहा है। एल्युमिनियम वायर स्क्रैप में दिल्ली के बाजार में 207 रुपए पर कारोबार देखा जा रहा है, एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 162 है, जिंक में जिंक हिंदुस्तान की कीमतें 275 है, लेड में 183 रुपए का रेट है, एलआईबीटी का रेट 202 चल रहा है, बैटरी स्क्रैप में 102/122 रुपए का रेट आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। निकल की कीमतें 2070 है, टिनागे का रेट 2160 है, ब्रास पीतल का रेट 471 चल रहा है और एसएस बर्तन स्क्रैप में 72 रुपए का रेट बाजारों में देखा जा रहा है। हम आपको यहां पर रेट तो बता रहे हैं दिल्ली और मुंबई के और एलएमई और एमसीएक्स के, लेकिन अगर आप मेटल बाजार के विस्तार से रेट जानना चाहते हैं, बेस मेटल में क्या रेट बाजारों में चल रहा है, किस रेट पर कामकाज देखा जा रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, एबी लाइव, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको बता दें ये एक पेड ऐप है, फ्री सर्विस नहीं है, आपको इसमें सर्विस मिलेगी लेकिन आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप रेट की जानकारी चाहते हैं तो आप ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों में आगे मेटल बाजार के बारे में, तो मेटल बाजार में बेस मेटल में भी हल्की बढ़त देखी जा रही है। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 754 है, कॉपर आर्मेचर कीमतें 730 है, ब्रास स्क्रैप का रेट 490 चल रहा है, एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट बाजारों में 168 है, जिंक इंगट की कीमतें 272 है, लेड इंगट का रेट 198 है, टिन इंगट में 2175 रुपए का रेट देखा जा रहा है और निकल कैथोड में 2133 रुपए का रेट आप मार्केट में देखकर जा सकते हैं। तो बढ़त बाजारों में देखी गई है। बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो एक अच्छा सपोर्ट अगर आप कॉपर में देखेंगे तेजी को देखते हुए तो 740 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 750 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 182 है, रेजिस्टेंस लेवल 184 है, जिंक में 273 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, 280 का रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है, निकल के बाजार में 2080 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, निकल के मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल 2125 रुपए आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में अच्छी खासी बढ़त देखी जा रही है एलएमई और एमसीएक्स में, और आज के दिन आज वीकेंड वाले दिन भी बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार नहीं देखा जा रहा है। ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव है, अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो अच्छे सपोर्ट के आसपास आप बेस मेटल में अपनी जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।